दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपकी जो भी है जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग काफ़ी विद्यार्थियों के पास में इस प्रकार का एक मैसेज गया होगा। देख सकते हो स्क्रीन पे ये मैसेज, इस प्रकार का एक मैसेज गया होगा आपके सामने। और जो भी है इस मैसेज के रिगार्डिंग है कि आपका जो भी है ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जा रहा है काउंसलिंग का, ठीक है ना। और इसकी लास्ट डेट, हालांकि लास्ट डेट थी 12 जनवरी, लेकिन आज 14 जनवरी को भी इसका यहाँ पर पोर्टल शो रहा है। तो दोस्तों अभी आपकी जो काउंसलिंग है वो बंद नहीं की है, कल बीच में बंद कर दी गई थी, फिर आपकी द्वारा से चालू कर दी गई है। तो अब काउंसलिंग अभी भी चालू है। जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके कन्फ्यूज होंगे कि सर इसमें क्या बता रहा क्या नहीं बता रहा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जिन विद्यार्थियों ने अगर काउंसलिंग करवा ली है, जिन भी विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवा ली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपने काउंसलिंग करवा ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है या वो करवाना चाहते हैं, एक दो कॉलेज और ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है, तो वो भी देखें इस वीडियो को, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो राज्य एनएम का ऐप है उस ऐप में आना है। उस ऐप में आने के बाद में यहाँ पर राज्य एनएम का जो ऐप है उसको खोलोगे आप। जैसे ही इसको खोलते हो तो आपका जो भी है यहाँ पर जो खुलेगा, इसको खोलने के बाद में हाँ, तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से जो आपका पोर्टल है वहाँ पर आप आ जाओगे। और ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड बना रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा लाइव आने के लिए इतना समय नहीं था, क्योंकि आप भी बिजी होंगे, आज संक्रांति का समय है तो, और हम भी थोड़ा बिजी थे तो आपको लाइव आकर के नहीं बता रहे हैं। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ ये है इस वीडियो में कि देख सकते हो अब की बार जो काउंसलिंग का उन्होंने अब की बार तो काउंसलिंग बंद नहीं किया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कॉलेजों में जो कॉलेजों का नाम देख सकते हो, नाम के अलावा कौन सी कॉलेज है और जो ज़िले में जो कॉलेज है उस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें आई है, कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है, मतलब कितने स्टूडेंटों ने वहाँ से काउंसलिंग करवाई है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं टोटल, जैसे मान के चलो भरतपुर की कॉलेज है, भरतपुर में टोटल सीटें हैं 60 सीटें हैं, ठीक है ना। अब 60 सीटें हैं तो 60 सीटों पर यहाँ पर देख सकते हो कितने आवेदन हुए हैं। यहाँ पर 2800 टोटल जो फॉर्म है ऑप्शन है, मतलब स्टूडेंटों ने भरा है, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर देख सकते हो जो भी है 1020, ठीक है ना। उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी के 208 स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के 361 स्टूडेंट हैं, एसटी के और एससी के यहाँ पर देख सकते हो एसटी के हैं 483, एससी के हैं 884। इस तरह से टीएसपी एरिया के इतने स्टूडेंट हैं। इस तरह से आपकी जो भी है आप देख सकते हो किस कॉलेज से कितने फॉर्म गए हैं और किस कॉलेज से कितने फॉर्म नहीं गए, तो वो सारी की सारी बातें इसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी चेक कर सकते हो इस प्रकार से, जितने भी कॉलेज है टोटल, जितने भी कॉलेज है राजस्थान के अंदर सभी कॉलेजों का यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको वो कॉलेजों के आपको नाम शो नहीं हो रहे थे उनके दिखा देते हैं आप सभी विद्यार्थियों को। तो एक बार आप उनके भी देख लीजिए सभी भाई बहन, ठीक है ना। चिंता करने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, सभी आप इस तरह से देख सकते हो उनको। उदयपुर के बारे में बात करते हैं पहले, उदयपुर की कॉलेज आपको सो नहीं हो रही थी, उदयपुर के बारे में दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। ये आप अगर आपकी काउंसलिंग चालू है, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो देख सकते हो उदयपुर में जो स्टूडेंट हैं वो देख सकते हो, जो टोटल ही उदयपुर की आपको कॉलेज सो नहीं हो रही थी तो उदयपुर में देख सकते हो टोटल जो टीएसपी वाले एरिया वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भरी गई है। ये उदयपुर की कॉलेज हैं, उदयपुर की जो कॉलेज है वो सारी की सारी टीएसपी वाले को देख सकते हो, टीएसपी वालों के फॉर्म आए टोटल देख सकते हो 1375 ये देख सकते हो। इस तरह से जो है टीएसपी एरिया वाले स्टूडेंटों के लिए है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हो अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग उदयपुर, ये भी है, तो ये इसमें भी 1352 स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है, ये डाला है टीएसपी वाले स्टूडेंटों ने, ठीक है ना, ये उनके लिए है। तो देख सकते हो अगर आप भी अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो आप भी यहाँ से जा करके अभी अपनी काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। देख सकते हो हम आपको बताएं कैसे करवानी है। यहाँ जाओगे, यहाँ से सेलेक्ट करोगे बीकानेर जयपुर जो भी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपको करना होगा आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हम आपको एक बार करके बता देते हो, पहले भी आपने करी होगी, तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अभी भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, काउंसलिंग अभी भी आपकी चालू है। जयपुर की कॉलेज आपको भरनी है तो यहाँ से जयपुर की कॉलेज आप भर सकते हो। सभी विद्यार्थी पहले ही बंद कर दिया गया था एक रात के लिए, ठीक है ना, 13 तारीख को ही बंद कर दिया गया था। अब जयपुर में कोई देख सकते हो आप कोई कॉलेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी कॉलेज को आप ऐड करते हो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपकी। मान के चलो विनायक कॉलेज को हम ऐड करते हैं तो इस कॉलेज को ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इस कॉलेज को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से जिन भी भाई बहनों ने यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे बोलेगा सर पहले का वीडियो है फेक वीडियो है, तो समय देख सकते हो 9:45 का टाइम हो रहा है, 2:45 का समय हो रहा है, 2:45 हो रही है, 2:45 हो रही है समय, यहाँ पर देख सकते हो आप।
तो ये सारा प्रोसेस है वो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये फॉरम यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस फॉरम को आप डाउनलोड कर लोगे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अब की बार आपका जो है सबमिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, सबमिट का ऑप्शन अब की बार नहीं दिया गया है आपको, तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लेना। और आपको देखना है कि किस जिले से प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने फॉर्म डाले गए, जयपुर से कितने डाले गए, किस कॉलेज से कितने फॉर्म डाले गए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान के चलो डीपी तिवारी कॉलेज है जयपुर के अंदर, तो उसमें से टोटल जो भी स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है, कितने स्टूडेंटों ने लगाया है, डीपी तिवारी मात्र 30 सीट है, 30 सीटों पर कितने स्टूडेंट हैं, 8,888 स्टूडेंट हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, जो सीतापुरा में है कॉलेज महात्मा गांधी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज के लिए कितने फॉर्म गए, 8,445 फॉर्म आए, ठीक है ना, 8,445 फॉर्म आए 100 सीटों पर मात्र। इस तरह से आप देख सकते हो किस कॉलेज के लिए कितने फॉर्म गए, कितने फॉर्म नहीं गए। और अभी भी आपके पास में शायद मैसेज आ रहे होंगे, तो उस मैसेज को देख करके घबराए नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। वो मैसेज आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, आप काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो, ठीक है ना, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो भी कॉलेज नहीं सो रही थी तो उनमें आप देख सकते हो कि टीएसपी एरिया वालों के लिए वो रिजर्व है सीटें। तो यहाँ पर जिस कॉलेज की आप देखना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज की, तो वो आप देख सकते हो कि कब तक आपकी जो भी है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी टीएसपी वाले हैं, कितनी एसटीएससी वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कितने फॉर्म गए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।